गाइस आपका जो है जीमेल अकाउंट, जो आपका गूगल अकाउंट है, उसका जो पासवर्ड है आप भूल चुके हो। तो उस पासवर्ड को आप देखना चाहते हो, उस पासवर्ड को आप जानना चाहते हो तो किस तरीके से चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके से देख पाओगे, वो भी एक क्लिक के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसका जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो के अंदर आपको फुल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते जाना है, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो किस तरीके से उसको करोगे चलिए बताते हैं। आपको खूब ज़रूरत है, आपका तो जीमेल अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ता ही है हर किसी में। तो आप पासवर्ड बार बार क्रिएट करते हो, भूल जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो करना पड़ेगा, आपका फ़ोन का जो क्रोम ऐप्स है उसको आपको जो है ओपन करना है। आपको यहाँ से क्रोम ऐप को ढूंढ लो, देखो यार यहाँ पर जो है क्रोम ऐप है तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके अंदर आपको जो है क्लिक करना है, करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो करना है, ऊपर साइड में आपको देखने को मिल जाएगी थ्री डॉट, आपको यहाँ पर देखो यार थ्री डॉट या एरो का सिंबल देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो करना है वो है सेटिंग के अंदर क्लिक करना है। करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगी। आपको पहले यहाँ पर देखो यार आपका जो जीमेल है, मेन जो जीमेल है उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद स्क्रॉल करते आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो है पासवर्ड मैनेजर, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर दो, करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगी। यहाँ से आपको जो है ढूंढना है वो है आपका गूगल अकाउंट। देखो यहाँ पर जो मेरा है, यहाँ पर गूगल अकाउंट जो जीमेल अकाउंट है उसके अंदर आपको जो क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो है एक लॉक पूछेगा, तो आपको यूज़ पिन के अंदर क्लिक करना है या आपका फिंगरप्रिंट रहेगा तो फिंगरप्रिंट कोई भी आपका जो स्क्रीन लॉक है वो एंटर कर दो। उसके बाद आपको जो जीमेल आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आपका मिला हुआ जो पासवर्ड है वो आपका वर्क नहीं कर रहा है या आपका जो है गूगल अकाउंट का जो ऑप्शन है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या है, आपका जो जीमेल है उसका जो पासवर्ड है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। अब फॉरगेट करना या चेंज करना नहीं आता है, उसका वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आपका आई बटन में आ जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट करके आप इजीली तरीके से पासवर्ड को चेंज कर लो।